तो आज दूध वाली कॉफी, क्योंकि काफी टाइम से मैं अभी ये पीने की सोच रहा था। तो यहाँ पे पता नहीं अभी इतनी बड़ी ट्रक आ गई है, ये देखो सामने के साइड पे बारिश होने वाली ऐसा लग रहा है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आशा रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये टावर है ना बड़ा वाला, वहाँ पे कुछ काम होने वाला ऐसा लग रहा है। कितनी बड़ी ट्रक है देखो ना, ये वाले भी। और एक बात आपने नोटिस की, वहाँ पे एक डॉगी सो रहा है नीचे, देखो ये ट्रक के नीचे, ये रहा, ये देखो। तो आज के ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ आप आई थिंक 2 साल से वेट कर रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी हम जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे वेट करना पड़ेगा इस ब्लॉग को एंड तक देखना। तो अभी ये देखते हैं, उसके बाद हम जाने के लिए निकलते हैं। आई होप कि बारिश ना हो, फिंगर क्रॉस्ड। अभी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी निकाल देंगे यहाँ से, बहुत लंबा है ये टावर। जब हम छोटे थे ना, तब जेसीबी की खुदाई, ट्रक का काम, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आ जाता था। अभी भी बहुत आता है, कुछ एक्साइटमेंट जैसा लगता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, ये टावर निकाल देते हैं या टावर का कुछ अभी यहाँ पे काम करेंगे। वेट करना पड़ेगा अभी थोड़ा ना, स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, देखो ना ऊपर जा रहा है ये देखो। ओहो, सुबह सुबह क्या देखने को मिल गया, पूरा उठा लिया। पावर देखो, पावर सीधा घर में जाने वाले है। बच गई, हो गया। अभी हम जाने के लिए निकलते हैं। तो गणपति जी की जो मूर्ति बनती है ना, हम वहाँ पे आए हैं। तो नवसारी में 4 जगह पे गणपति जी की मूर्ति बन रही है अभी, तो मैं आपके आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है, कलर का काम अभी बाकी है, थोड़े दिन में हो जाएगा काम स्टार्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे हाथी के ऊपर ऐसे अभी सेट कर रहे हैं, और ये भैया अभी बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मूर्ति है, और इस साइड पे आगे के साइड पे काफ़ी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। और एक मूर्ति देखो कितनी मस्त है, डायनासोर जैसी, ये देखो। अभी ऑलमोस्ट अभी में कलर का काम बाकी है। तो यहाँ पे ये अंकल मुकुट बना रहा है, देखो। और कितना टाइम लगता है ये सूखने में, ये 3 घंटा देखो ऐसा बनता है, 2 साइड पे, उसके बाद पैक कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हाथ भी है, कितने मस्त है ये भी। तो यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति बन रही है। और भैया ये कौन सी मिट्टी आप यूज़ करते हो यहाँ पे? ये सारों मिट्टी। और इसमें ये कलर कौन सा ऐड करते हो? कलर वो प्लास्टिक कलर, एशियन कलर। और एक मूर्ति बनाने में कितना टाइम जाता है आपको? ये छोटी मूर्ति बनाने के लिए 7 दिन तो टाइम जाएगा। और बड़ी वाली वहाँ पे, जो बड़ी वाली 10-12 दिन। और यहाँ पे कलर का काम कितने दिन में हो जाएगा? वो और 15 दिन। 15 दिन चलिए, ओके। तो गाइस, ये यहाँ की 2 नंबर की सबसे बड़ी मूर्ति है। एक मूर्ति अभी बन रही है, वो भी बहुत बड़ी है, तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो मेरे साथ चलिए। तो ये मूर्ति काफ़ी बड़ी है, कितने फुट की है ये? 17 फुट की। तो ये मूर्ति काफ़ी बड़ी है, इसलिए अभी यहाँ पे आगे ही रखा है। एक ये मूर्ति है और एक पीछे वाले है, वो आई थिंक 13 से 15 फुट के हैं। तो यहाँ पे सभी मूर्ति काफ़ी बड़ी बड़ी है। ये देखो ये मूर्ति अभी कैसे बनेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी बनेगी देखो, ये तो सबसे बड़ी है यहाँ की। तो अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो हम आज खाएँगे मक्का बेल, कॉर्न बेल। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे प्लेस पे देखने के लिए। अभी 3 जगह बची है, अच्छा हमको कंप्लीट करनी है। तो गाइस, हम दूसरे लोकेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी मूर्ति है, और बैकग्राउंड देखिए, अभी यहाँ पे बैकग्राउंड बन रहा है। अभी आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये पीछे वाली मूर्ति देखिए, बहुत ही मस्त है। अभी बैकग्राउंड का काम चल रहा है यहाँ पे, ये भी देखो ये बैकग्राउंड कितना मस्त है।
तो ये मूर्ति भी काफ़ी मस्त है, देखो ये सामने वाली, ये वाली। यहाँ पे दो लायन हैं और यहाँ पे रेड, ये भी काफ़ी मस्त है। इस साइड पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं और अब तक की सबसे मस्त मूर्ति मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वाली और ये एक ये वाली। तीसरी जगह पे आ चुके हैं तो यहाँ पे भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, ये देखो मस्त है ना रवि। अंदर भी बहुत सारी है। पीछे की देखो मस्त है। अभी कलर का काम बाकी है यहाँ पे। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। लंच गिरा हुआ है इन लोगों का, अभी लंच का टाइम है इसलिए अभी काम स्टॉप हो गया है। ये काफी बड़ी मूर्तियां है दो। तो मैं चौथी प्लेस पे आ चुका हूँ तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, ये वाली देखो बहुत ही मस्त है। तो मैं 11 बजे गया था, 3 बजे आया, काफ़ी टाइम निकल गया, आके मैं सीधा सो गया था। तो अभी भूख लगी है तो अभी नीचे जाऊँगा और देखता हूँ कि क्या है, अदरवाइज आज हम स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इच्छा है स्ट्रीट फूड खाने की। तो स्ट्रीट फूड में मैं हो सके उतना लाइट वेट ही खाता हूँ, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि प्लेन डोसा खाऊं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इच्छा है। डोसा तो मैंने खा लिया है, तो यहाँ पे मेरी सिस्टर अभी डोसा पील रही है। तो जस्ट डिनर करके मैं मेरे रूम में आ चुका हूँ, तो मुझे अभी जाना है दूसरे सिटी पे जहाँ पे हम मेरा काम जो पेंडिंग पड़ा है वो करने के लिए। तो देखते हैं अभी टाइम कब मिलता है और कब जा पाता हूँ क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। ये देखो फाइट हो गई, फाइट हो गई।